दिल्ली प्रदेश समाजवादी पार्टी ने संविधान निर्माता दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 63वां परिनिर्वाण दिवस मनाया, जिसका आयोजन दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता आरएस यादव ने कहा, बाबा साहेब युग प्रवर्तक हैं। उन्होंने दलितों वंचितों के लिए उस समय काम किया जब दलितों को समाज में नीचा दिखाया जाता था। उन्होंने दलितों को नई दिशा दी, जिससे आज हमारे देश में एस सी एस टी दलित पिछड़े वर्ग को एक दिशा मिली। लुट चुका होता है ये रोज, में कहा ना 2014 में जी 2 करोड़ हर साल में देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे और बहुत सारे वायदे किए। वायदे कहाँ, हवा में छू हो गए ना, सत्ता में आ गए, संवैधानिक सत्ताओं पे आपने बैठ गए, कब्जा कर लिया। तो गांव गरीब कहाँ जाए, गांव गरीब कहाँ जाए। तो देखिए जो संविधान में, संविधान को गाय बजाए छेड़ते रहते हैं। तो आज देश में इस बात की बहस की ज़रूरत है और लोग एकत्रित हों, गांव गरीब। हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हमेशा पिछड़ों की, गरीबों की बात करते थे, उनके साथ खड़े रहे हैं। यही तो समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है, यही तो समाजवाद है। जी जी, कहीं ना कहीं जो भी प्रेजेंट पे सरकार है, जनता के अभी भी दिमाग में नहीं घुस रहा है कि सरकार किस तरीके से उनसे कर रही है। आपका क्या संदेश रहेगा आज के कार्यक्रम के माध्यम से जनता के लिए? देखिए, जनता का यही उद्देश्य है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और हमारे पार्टी के जनक समझिए संयुक्त शोषक पार्टी से शुरू किया था हमारी पार्टी नेताजी ने, डॉक्टर रामनाथ लोहिया जी, 1956 में आते आते बहुत अपने विचारों से एक हो गए थे, खतो खताबत हो रही थी, ठीक है, मीटिंग होने वाली थी, लेकिन बाबा साहब 1956 में उनका निधन हो गया, पर उनका निर्माण हो गया, पर निर्माण जो आज मना रहे हैं तो 1956 में चले गए। अगर वो रहते तो देश का नक्शा दूसरा होता। समाजवादी सोच जो है, गणतंत्र की सोच, उस जिसमें हमारे डॉक्टर लोहिया हमारे माननीय मुलायम सिंह, उसे समाजवाद कहते हैं, समाजवादी पार्टी हमने बनाई वही, और बाबा साहब गणतंत्र कहते थे। जो संविधान मंगाए, अद्भुत संविधान है, सर्वजन के लिए संविधान, हमको सबको ऋणी रहना चाहूँगा, इस देश पूरा ऋणी रहेगा उनका। देखिए, उनके शरीर चला गया, आत्माएं, आत्मा नहीं, आत्मा हमेशा, उनके विचार वो हमेशा जीवंत रहेंगे, वो कहीं इनमें 84 में नहीं घूम रहे हैं, वो तो मुक्त चेतना हैं और हमेशा हमेशा उनके विचार जीवित रहेंगे और हमको उनके विचारों से लेना है, जीवित रखना है। यही तो, एक पेड़ में पानी, आप खाद पानी डालते हैं ना, तो पेड़ खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, पेड़ क्या है, शाखाएँ जीवंत होती हैं ना, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी समाजवादी पौधा हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव ने खड़ा किया है समाजवादी, तो उसमें हम क्या, हमारे अखिलेश यादव जी और हमारे प्रोफेसर राम कल्याण जी, हम लोग क्या है, क्या कर रहे हैं कि विचार रूपी हम खाद उसमें डाल रहे हैं, और समझे ना, और सद्विचार, विचार नहीं, अपने कर्म से, सद कर्मों से, निष्कर्म